आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल का ऊपर वाला ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना, सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन का ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के आपको ओपन करना है, ठीक है। इसमें आपको नीचे की साइड ना एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल का जो ऊपर वाला ईयर स्पीकर है ना, ईयर स्पीकर को हल्के हाथों साफ करना है। होता क्या है, इसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण ये ठीक से काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं और ये बिल्कुल खराब हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों साफ करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताया ना, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताया, ठीक है।